इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया में आने वाले 7 हाइब्रिड कार्स के बारे में। नंबर 1 पे होने वाला है न्यू जनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर। एक्सपेक्टेड है ये गाड़ी ग्लोबल डेब्यूट करने वाला है नेक्स्ट ईयर 2024 में, और ये गाड़ी की एक्सटीरियर काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड रहेगा टोयोटा की न्यू जनरेशन टैकोमा पिकअप ट्रक से। एडवांस इंटीरियर यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है, एडवांस फीचर्स भी ये गाड़ी में दिए जाएंगे। न्यू जनरेशन फॉर्च्यूनर में आपको डीजल हाइब्रिड इंजन देखने को मिलने वाला है। नंबर 2 पे मारुति सुजुकी का एनगेज प्रीमियम MPV। ये गाड़ी होने वाला है रीबैज मॉडल टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस MPV का। ये गाड़ी मारुति सुजुकी का सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव गाड़ी भी होने वाला है। गाड़ी के लॉन्च एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 2-3 महीने के अंदर इंडिया के मार्केट में हो जानी चाहिए। ये गाड़ी में आपको कई सारे प्रीमियम लेवल के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग एडास बेस्ड सेफ्टी फीचर भी ये गाड़ी में आपको दिया जाएगा। 2 लीटर का नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ साथ 2 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। उसके बाद नंबर 3 और नंबर 4 पे न्यू जनरेशन मारुति सुजुकी स्विफ्ट और डिजायर। नेक्स्ट ईयर 2024 में ये ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होने वाला है और इंडिया के मार्केट में उसके 2-3 या 5 महीने के अंदर आने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। कम्प्लीटली न्यू एक्सटीरियर, न्यू इंटीरियर, कई सारे नए फीचर्स और 1.2 लीटर 3 सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन ये गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। और ये गाड़ी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल के साथ साथ 35-40 KMPL का माइलेज भी क्लेम करने वाला है। ये गाड़ी बेस्ट माइलेज कार हो सकता है इंडिया के मार्केट में, दोनों ही गाड़ियां स्विफ्ट और डिजायर 2024 मॉडल में। ये दो गाड़ियां लॉन्च होने के बाद, यानी कि 1.2 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इंडिया में आने के बाद मारुति सुजुकी इंट्रोड्यूस कर सकता है अपने हाइब्रिड सीरीज को, यानी कि मारुति सुजुकी का जो कि टॉप सेलिंग कार्स है, यानी कि बलेनो, ब्रेजा और फ्रंक्स जो अभी लॉन्च हुआ है जो कि काफ़ी हाइप में है, ये सभी गाड़ियों में आपको 1.2 लीटर हाइब्रिड इंजन देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी चीप रहेगा। अभी जो टोयोटा से मारुति लिया है 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, उससे कई ज़्यादा प्राइस में कम और कई ज़्यादा एफिशिएंसी ये रहेगा, ये जो कि काफ़ी बेहतरीन होने वाला है मारुति सुजुकी के लिए, और ये CNG से भी काफ़ी बेटर रहने वाला है। यानी कि मारुति सुजुकी के तरफ से लगभग 6 गाड़ियां इंडिया के मार्केट में हाइब्रिड इंजन के साथ लॉन्च होगा और टोयोटा की 1 गाड़ी लॉन्च होने वाला है। तो आपको कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन? अगर अच्छा लगा तो अभी लाइक कर दीजिए, और ऐसे ऐसे नए नए वीडियो देखना चाहते हैं ऑटोमोबाइल्स के ऊपर तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदाई दीजिए, बाय।